दिल्ली एनसीआर में पड़ रही भीषण गर्मी और लू के प्रकोप से थोड़ी राहत मिली है। मंगलवार को आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की वजह से तापमान में भी गिरावट हुई है। दिल्ली में बीते कुछ दिनों से अधिकतम तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हो रहा था, लेकिन मंगलवार को इसमें गिरावट के बाद अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार 16 अप्रैल तक यह राहत बरकरार रहेगी। IMD के महानिदेशक का कहना है कि 2 पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित करने वाले हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश या गरज के साथ बारिश होने के आसार नहीं है। बादल छाए रहने के कारण दिल्ली के तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग का कहना है कि इस दौरान ठंडी हवाएं भी चलेंगी। इसके बाद फिर से तापमान के साथ साथ गर्मी में इजाफा होगा और लू चलने की संभावना रहेगी। इस दौरान मौसम शुष्क रहेगा और तेज धूप भी खिलेगी। दिल्ली में मंगलवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा 22.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 39 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। नोएडा में अधिकतम तापमान 44.2 और न्यूनतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। यहां भी आंशिक बादल छाए रहेंगे। वहीं गुरुग्राम में अधिकतम तापमान 42 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और मौसम साफ बना रहेगा। वहीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में 192 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं नोएडा में AQI खराब श्रेणी में और 256 दर्ज हुआ है, जबकि गुरुग्राम में भी AQI खराब श्रेणी में दर्ज हुआ है और 248 रिकॉर्ड हुआ है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स TV। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।